कुत्ते का काम तो है भूखना, उसका काम है भूखते रहना, उसको भूखने दीजिए। सरकार की जो अपनी नीति है उसको चलाते रहे, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि जो जातीय सर्वेक्षण किया गया वो फॉल्स था, उस पे के बारे क्या कहना? नहीं, सही है, वास्तविक में ये होना चाहिए कि किस जाति में कितना पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के आधार पर ही उसको गरीबी और अमीरी का तुलना किया जा सकता है। अच्छा फैसला है कि नहीं? इसमें तो अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है, लेकिन अगर पहुंच जाए तो और भी अच्छा हो जाए। पहुंच गया ना, जब सरकार पास कर पहुंच गया, वो अभी असेंबली में पास हुआ, बाकी अपने वहाँ तक आने तक में पहुंच गया तो बहुत अच्छा होगा। चाहते ही हैं कि गरीब आदमी गरीब ही रहे और जो बड़ा है वो अमीर ही बनते चले जाए, वो तो चाहती है। हाँ बिल्कुल, अमीर बन जाए। हाँ क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जो है वो तो चाहे करता है धनी धनी के रहे, गरीब जो गरीब है गरीब गरीब रहे। राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है सुदूर इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पान दुकान है, सुनील पान भंडार, और यहाँ दर्जनों, लगभग एक दर्जन लोग हैं जो पान खाने पहुँचे हैं और हमारी टीम भी यहाँ पहुँची है। हम जानना चाहते हैं इन लोगों से कुछ बातें। दर्शकों को बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, दोनों भली भांति एक साथ मिलकर बिहार की डेवलपमेंट के लिए हर तरह के काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो आरक्षण था उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया है, ताकि ऐसे लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके। दबे कुचले कोई भी हो सकते हैं, खासकर अनुसूचित जाति या फिर ऐसे लोग जो जमीन लेवल पे हैं वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। गणना के बाद, जातीय गणना के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद इन्होंने, बिहार सरकार ने फैसला लिया। लेकिन बीजेपी जो पार्टी है, भाजपा, उन लोगों का कहना है कि ये जातीय आरक्षण बढ़ाकर गलत किया है बिहार सरकार ने। हम जानेंगे इन लोगों से कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है इस आरक्षण पर जो 65% किया गया है। सर स्वागत है आपका, पहले परिचय है अपना। मेरा नाम बनारसी पासवान छौरी। सर कहना ये है कि बिहार सरकार ने पिछले दिनों 65% आरक्षण को कर दिया बढ़ा करके, आपका क्या कहना है इस पर, इस कार्य पर? बहुत अच्छी बात है, सरकार की सराहना करनी चाहिए, इसलिए कि आरक्षण के हकदार तो गरीब कुचले लोग ही होते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि अमीरों को दिया जाता है, आरक्षण तो गरीबों के लिए है, और सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है। आपको लग रहा है सराहनीय है, लेकिन कुछ लोग, खासकर जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, अभी बीजेपी बड़ी पार्टी है अपोजिशन में, सेंट्रल की, सेंट्रल में गवर्नमेंट उनकी है, उन लोगों का कहना है कि ये गलत हुआ है, गलत डिसीजन लिया गया है, तो क्या लग रहा है आपको, वो ऐसा क्यों बोल रही है? तो कुत्ते का काम तो है भूखना, उसका काम है भूखते रहना, उसको भूखने दीजिए। सरकार की जो अपनी नीति है उसको चलाते रहे, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते जी हैं? जी। सर एक सवाल और करना चाहेंगे, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड आप हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, हो सकता हो कि आपके ही बिरादरी में, जाति में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दबे कुचले होंगे आपके खानदान में, आपके परिवार में, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो आप दो वक्त की रोटी खाते हैं, सही से खा रहे हैं, हर चीज़ आपको भगवान दिया है, लेकिन जो लोग पड़ोस के हैं, बगल के हैं, अगर उसे नहीं मिल पाया है, उसे अगर सरकार देना चाहती है, उसे लिफ्ट देना चाहती है, तो आपका कहना है कि ये काम काफ़ी सराहनीय है? काफ़ी सराहनीय है जी, ऐसे लोगों का आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जी जी जी। बिहार सरकार सही है? सही है, एकदम सही है। अच्छा सर एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, कुछ लोग कहते हैं कि जो जातीय सर्वेक्षण किया गया वो फॉल्स था, उस पे के बारे क्या कहना? नहीं सही है, वास्तविक में ये होना चाहिए कि किस जाति में कितना पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के आधार पर ही उसको गरीबी और अमीरी का तुलना किया जा सकता है, इसलिए बिहार सरकार जो है ये जाति आधारित जनगणना जो की है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए आप कि आप तेजस्वी यादव को जानते हैं? जी जी जानते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। कैसा लगता है पर्सनालिटी उनका, जो जो काम कर रहे हैं बिहार में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है उसकी। अच्छा काम कर जी जी, लगता है बिहार डेवलप करेगा जी इंशाल्लाह। अभी बताइए बिहार में जो बिहार सरकार काम कर रही है, खासकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी जातीय आरक्षण में 65% आरक्षण दिया गया, क्या लगता है गरीब का भला होगा इस आरक्षण से? मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत होगा और थोड़ा बहुत नहीं होगा, आते आते रुक जाएगा। नहीं, आरक्षण दे दिया गया ऐसे लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं, छोटे कास्ट से, जात से आते हैं, जिसको आज तक इसका भला नहीं हो सका,
बिहार सरकार का कहना कि उन लोगों का भला हो, उन लोगों को वो सुविधा मिले जो अब कोई अमीर है जी जी वो शुरू से ही अमीर है, अमीर को मिलेगा तो अमीर अमीर से और महा अमीर हो जाएगा, लेकिन जो गरीब है उसको मिलेगा तो वो ना उठेगा। जी जी, जी ये फैसला सही लग रहा है आपको? अच्छा फैसला है कि नहीं? इसमें तो अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है, लेकिन अगर पहुँच जाए तो और भी अच्छा हो जाए। पहुँच गया ना, जब सरकार पास कर पहुंच गया समझ, वो अभी असेंबली में पास हुआ, बाकी अपने वहां तक आने तक में पहुंच गया तो बहुत अच्छा होगा। आप कह रहे हैं कि भाजपा वाला विरोध कर रहा है, कहता है कि ये नहीं होना चाहिए वरना गरीब ऊपर उठ जाएगा। गरीब ऊपर उठ जाएगा तो भाजपा वाला नीचे हो जाएगा क्या? भाजपा वाला नीचे हो जाएगा तो वो नीचे हो जाए, गरीब को ऊपर कर दे। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि बिहार सरकार में, पता है आपको कि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। अभी जो यहाँ बिहार में कुछ दिनों पहले 65% कर दिया गया आरक्षण, इससे पहले जातीय गणना हुई थी, उससे रिपोर्ट आया, इससे ये पता चल गया है कि यहाँ कौन लोग दबा कुचला है, कौन उससे अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है। सरकार चाहती है कि जो बहुत गरीब है, दबा कुचला, वो ऊपर बढ़े। क्या लगता है अभी जो आरक्षण बढ़ा है इसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या फ़ायदा मिल सकता है? फ़ायदा यही मिलेगा कि गरीब जितने भी हैं सब ऊपर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि इस रिपोर्ट, अभी जो आरक्षण दिया गया है इस बिल के बाद, जो बिल पेश करने के बाद, बीजेपी वाले भाजपा वाले खिलाफ भी कर रहे हैं कि कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है, इस पर क्या कहना आपको? वो तो चाहते ही हैं कि गरीब आदमी गरीब ही रहे और जो बड़ा है वो अमीर ही बनते चले जाए, वो तो चाहती है। हाँ बिल्कुल अमीर बन जाए। हाँ क्या बोल रहे हैं? बीजेपी जो है वो तो चाहबे करता है धनिक धनी के रहे, गरीब जो गरीब है गरीब गरीब रहे। इस तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार का ये फैसला अच्छा है, सराहनीय है? बहुत अच्छा है। देखा दर्शकों, ये लोग हैं एक सुदूर गांव में, मैंने पहले ही बताया था गांव में हैं, और गांव के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा लिया गया फैसला काफ़ी अच्छा है। इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभी दौरे इख्तदार में इस तरह से काम हो रही है बिहार में, यह बहुत ही अच्छा है।